दिनांक 3/7/24 को थाना मड़ियाहूं में मंसूर आलम निवासी मोहल्ला गढ़ी के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी कि उनके विद्यालय जुवैदा पब्लिक स्कूल ददरा मड़ियाहूं में 2/7/24 को कंप्यूटर लैब से 14 कंप्यूटर, ऑफिस का लैपटॉप, सीसीटीवी का डीवीआर, इन्वर्टर, बैटरा, स्टेबलाइजर, एक गाड़ी विंगर की बैटरी, 2 प्रिंटर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। ये बहुत बड़ी चोरी थी और इसमें तत्काल तहरीर पर थाना मड़ियाहूं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए थाना प्रभारी मड़ियाहूं के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और अन्य सहायक टीमें भी इसमें इसके अनावरण के लिए लगाई गई थी। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में इस अज्ञात एक बड़ी चोरी की घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है और इस घटना में को कारित करने वाले अभियुक्त प्रिंस जायसवाल निवासी कादीपुर मड़ियाहूं, संदीप सरोज निवासी कादीपुर मड़ियाहूं, परवेज अंसारी निवासी काजीपुर मड़ियाहूं को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी निशानदेही पर इनके कब्जे से एक सबसे पहले 8 कंप्यूटर, 9 सीपीयू, 3 स्टेबलाइजर, 1 बैटरी, 2 प्रिंटर, 1 यूपीएस, 1 पावर सप्लाई का डिवाइस, 2 सोलर पैनल और 7 देसी बम कुल मिलाकर और 1100 रुपये नकद। ये सभी चीज़ें लगभग 6 लाख रुपए के आसपास की हैं जो रिकवर हुई हैं और इन लोगों ने घटना को स्वीकार भी किया है। ये बहुत ही सफल अनावरण है और माल और मुलजिम की 100% बरामदगी है। इस उपलब्धि के लिए इस टीम को की सराहना की जाती है और इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है और अग्रिम साक्ष्य संकलन और विधिक कार्यवाही इसमें पूरी तत्परता से की जाएगी और इनको प्रोसिक्यूट करके इनको सजा दिलाई जाएगी। सर क्या आपराधिक इतिहास है इनका? ये नए लड़के हैं लेकिन ये लगातार सक्रिय हैं, अपराध कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही ढंग से, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें सुराग रशी, पता रशी और टीमों ने काम किया, इसलिए सही मुलजिम माल सहित ये पकड़े गए हैं।